रास्ते बाकी मिले के सामने प्रदर्शन। एक बात बताओ, ये तो चला आ रहा है बाबा आदम के जमाने से, अभी से थोड़े हर लड़की के ऊपर कोई ना कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो रोटी तो भी देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। वो मत बोलो, वो लड़की के ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम उसके हाथ में नहीं आना चाहते तो नहीं आओगे। तुम्हारे पास आर्ट है तो तुम क्यों अपने आप को बेचोगे? फिल्म इंडस्ट्री का नहीं लेना, वो हमारा माय बाप है। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो आपने ट्विटर पे रिएक्ट किया था सरोज खान जी के कमेंट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैंने क्या रिएक्ट किया? जो कास्टिंग काउच के ऊपर मैंने रिएक्ट किया कि आपने पढ़ा, आपने बोला था मिसअंडरस्टैंड या मिसलीड। मैंने कहा मिसअंडरस्टैंड, वॉच द वीडियो। मुझे नहीं लगा कि वो ये कह रही थी कास्टिंग काउच बहुत अच्छी चीज़ है, आई हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए। बात का बतंगड़ बनाना, मतलब आई थिंक टेस्ट को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि वो बस ये कह रही है कि एक्चुअली वो दो तीन चीज़ें कह रही हैं। पहले तो कह रही है कि पार्लियामेंट और पॉलिटिशियन जो रेपिस्ट हैं, आप उन्हें भूल के फिल्म इंडस्ट्री को सिंगल आउट मत करिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री डजंट अबैंडन पीपल जो ये काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रही है कि बहुत अच्छी चीज़ है और हमें इसको सराहना चाहिए या इसको एक्साइट, मतलब इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। वो बस बोल रहे हैं कि डोंट जज पीपल हु हैव टू मेक दिस चॉइस, क्योंकि आपको उनकी मजबूरियाँ पता नहीं है। वो ये नहीं कह रही कि अच्छी चीज़ है उसको, इतनी सीनियर लेडी को अभी इस वक्त तंग करना है।